राहुल गांधी खुद से खुद को तपस्वी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का कोई एक बयान आपको याद है क्या कि उन्होंने कहा हो कि मैं तपस्या कर रहा हूं? राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं ढहती। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, शिलान्यास पे जाकर पूजा करते हैं। राहुल गांधी पूरी यात्रा में कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूं। और क्या कह रहे हैं? तपस्वियों का संगठन है। मुझे तो नहीं ध्यान में है भाई, हिंदू धर्म थोड़ा बहुत हमको भी व्यवहार में है, क्योंकि परिवार संस्कार में हिंदू धर्म ही व्यवहार में है। तो तपस्वियों का कोई संगठन होता है क्या? नहीं होता है। पुजारियों का तो संगठन हो सकता है, क्योंकि पुजारी अलग अलग मंदिरों में पूजा कर रहे होंगे, अलग अलग लोगों को उनको यजमान होंगे, पूजा करा रहे होंगे। तपस्वियों का संगठन, ये भी एक अजूबा है राहुल गांधी। हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है भाई। हिंदुत्व की ठेकेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? नहीं है। लेकिन हर कोई जो हिंदू जीवन दर्शन को अपने व्यवहार में लेके चलेगा वो हिंदुत्व तो वाला हुआ, तो राहुल के हिसाब से और उनकी पार्टी के जो बुद्धिमान नेता हैं जिन्होंने ISIS और बोको हरम से जोड़ दिया तो वो हिंदुत्व वाला हो गया। और जरा सोचिए ना, कल्पना कीजिए आप, जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तपस्वी हैं, तो नरेंद्र मोदी की पूजा करती तपस्या करती कोई तस्वीर नहीं आती, वो तस्वीर सामान्य व्यवहार की है। एक केदारनाथ में जो गुफा को छोड़ दें तो वो जहां जहां जिस तरह से पूजा करते हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि तपस्वी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नहीं कह रहे कि तपस्वी हो गए, इसलिए अब पुजारियों का देश ही नहीं रहा। गजब हो गया है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं ये देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज देश के हर घर में, और मैं तो ये मानता हूं कि अभी भी ढेर सारे लोग असली गांधीवादी होंगे, जिनके जो उधारी के गांधी वाला मामला नहीं होगा, असली गांधीवादी होंगे। गांधी जी रोज रामधुन वाले थे, रोज पूजा करते थे। इस देश का बहुतायत हिंदू आज भी पूजा करता है, पूजा नहीं भी करता है तो जहां भगवान का मंदिर दिख गया थोड़ा ऐसे सर झुका लेता है, उसकी पूजा हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि इन सब को भाजपा के साथ ठेल दो, यानी वो कह रहे हैं कि पूजा करने वाला भाजपा में जाए, जो तपस्या कर रहे हैं वो कांग्रेस में आए। तो भैया कितने लोग बचेंगे देश में? कुछ ही बचेंगे ना जो कहीं तपस्या कर रहे होंगे कंदरा में, वो तो बेचारे वोट देने भी नहीं जाएंगे, पूजा करने वाला वोट देने जाएगा। और राहुल गांधी जी इतने बढ़िया काम पे निकले हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई आधिकारिक बयान भले संघ का नहीं आया, लेकिन चंपत राय जी जो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के प्रमुख लोगों में है, विश्व हिंदू परिषद के लिए संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने कहा कि 50 साल का नौजवान अगर देश को समझने के लिए एक यात्रा पर निकला है तो इससे सुंदर बात क्या होगी। और सचमुच इससे सुंदर बात क्या होगी, 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गई है राम मंदिर के नाम पर, कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं गई है। और कांग्रेस का नेता कहेगा कि पूजा के नाम पर किसके किसका क्या बुरा कर दिया, और फोर्सफुली कौन किसको पूजा करा सकता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र की अवधारणा भूल गए हैं क्या राहुल गांधी जी? और मैं तो कह रहा हूं इतनी सुंदर यात्रा पे निकले थे तो हम मान लेते कि उस संघ भाजपा का एकदम विध्वंस करने जा रहे हैं, तो याद कर लेते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कोसलपुर राजा। अरे भैया मन स्वच्छ करो, निर्मल हृदय करो, भगवान राम को बसा लो, यात्रा पे निकल जाओ।